लुकाराचेसु समाचार उसका 23वां अध्याय लुकाराचेसु समाचार उसका 23वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 50वें पद से लेकर उसके आखिरी पद तक 56 लुका 23:50-56। और देखो लुसोस नाम एक मंत्री तो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनके विचार और उनके एक काम से प्रसन्न था और वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बात सुनने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कमी न रखा गया था वह तैयारी का दिन था और सबका दिन आरंभ होने पर था और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील में आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लोथ किसी रीति से रखी गई है और डॉक्टर सुगम ने पशु और इत्र तैयार किया और सबसे इंद्र उन्होंने आज्ञा के अनुसार परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। आज फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना क्योंकि आज हमारे जीवित परमेश्वर अपने जीवित वचनों के साथ हम सभी से बातचीत करेंगे, उनके भेद खोलेंगे और शत्रु शैतान से कह दो कि मैं तेरे बहकाव में नहीं आने वाला और मैं सिर्फ मेरे प्रभु में बना रहूँगा और कोई भी डिस्टर्बेंस करने वाली जो आत्मा है उससे संपूर्ण रीति से दूर रहो और सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाए रहो ताकि शत्रु शैतान वो छीन कर ना लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा वहाँ पर एक बात है 7वें दिन की, सब्बत के दिन की, विश्राम के दिन की। विश्राम के दिन को लेकर, सब्बत के दिन को लेकर, ये 7वें दिन को लेकर बहुत सारी बातें जो है वो लोगों में चल रही है। कुछ कलीसिया ऐसी है जैसे 7th डे कलीसिया, फिर एक नई कलीसिया और है जो माता परमेश्वर को प्रकट करती है जो साउथ कोरिया से शुरू हुई, वो लोग एक जेहोवा विटनेस, यहोवा ना साक्षी, इन लोगों के बारे में अगर बात करें ये सभी लोग जो है वो विश्राम के दिन को, सब्बत के दिन को मानते बहुत दृढ़ता से वो लोग 7वें दिन की वो लोग बात करते। और 7वां दिन मतलब कि शनिवार, क्योंकि जब हम हमारे कैलेंडर में देखते तो हमारे कैलेंडर में सबसे पहला जो दिन है हफ्ते का सबसे पहला दिन वो है संडे और 7वां दिन उसके हिसाब से आता है वो है शनिवार। लेकिन मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता, बहुत ध्यान समझना कि 7वें दिन सब्बत का दिन शनिवार, रविवार, सोमवार, चाहे जो भी हो, जिसको जो मानना है माने, लेकिन मैं इस चक्कर में मैं पढ़ता नहीं। इसका कारण ये है कि सोमवार, मंगलवार वो तो बाद में शुरू हुआ, जब परमेश्वर ने पहले दिन कुछ बनाया, दूसरे दिन कुछ बनाया, 6ठवें दिन कुछ बनाया और 7वां दिन उन्होंने छोड़ दिया, 7वें दिन उन्होंने कुछ भी उत्पन्न नहीं किया, उन्होंने कहा कि 7वां दिन जो है पवित्र, उस वक्त कहाँ सोमवार तक, उस वक्त कहाँ मंगलवार था। उसके बाद आगे चलते हुए जो यहूदी प्रजा थी उन्होंने अपना कैलेंडर बना लिया, जब उन्होंने अपना कैलेंडर बना दिया और उनके कैलेंडर का जब 7वां महीना चल रहा था तब वो लोग मिस्र देश के अंदर गुलाम बने हुए थे और परमेश्वर ने उस वक्त उन लोगों से ऐसा कहा कि ये जो आपका 7वां महीना चल रहा है वो अब से 7वां महीना ना रहे लेकिन अब से पहला महीना रहे। लेकिन ये यहूदी कैलेंडर की बात है, उसमें भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहूदी लोगों में दिन ऐसे गिना जाता था हफ्ते का पहला दिन,
हफ्ते का दूसरा दिन, हफ्ते का तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। फिर जब छठवा दिन आता था तो वो लोग ऐसा बोलते थे, यह सिद्ध होने का दिन है, यह तैयारी करने का दिन है। और सातवां दिन जो आता था उसको वो लोग शपथ का दिन कहते थे। सिर्फ दो, छः और सात जो दिन आते थे, छठवां और सातवां, उसका उन लोगों ने नाम दिया था। छठवां दिन वो तैयारी का दिन, सिद्ध होने का दिन, और सातवां जो है वो शपथ का दिन या विश्राम का दिन, ऐसे वो लोग करते थे। अभी मुझे नहीं मालूम किसने सोमवार मंगलवार बनाया, ढूंढो तो मिल भी जाएगा, लेकिन उससे मुझे तो कोई लेना देना नहीं, जिसने भी बनाया, जो भी बनाया। लेकिन जिसने भी बनाया, क्या उसने सातवां दिन शनिवार उसी दिन रखा था जिस दिन यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से सब्बत का दिन था? ध्यान से समझना, उनका जो सातवां दिन चल रहा था, क्या उसी दिन उन्होंने उसको शनिवार नाम दे दिया? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि परमेश्वर का जो सातवां दिन था वही आज ये शनिवार है। लेकिन मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, हुआ या नहीं हुआ, जो भी है, लेकिन क्या ये जो शनिवार है, कई लोग ऐसे जड़ लोग होते हैं, जिस तरह से मैंने बात की, सातवें दिन वाले, सेवंथ डे वाले, माता परमेश्वर वाले, यहोवा विटनेस वाले, वो लोग इस बात में बहुत दृढ़ता से मानते हैं, जड़ता से मानते हैं कि नहीं, सातवां दिन मतलब शनिवार, शनिवार को ही चर्च लगना चाहिए। वो लोग शनिवार को चर्च लगाते हैं अपना। वो इतना स्पष्ट बोलते हैं कि अगर संडे को आप चर्च लगाओ, संडे को आप मीटिंग करो, वो मीटिंग आशीषित नहीं रहेगी। उस दिन परमेश्वर को आप, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि संडे को मीटिंग शुरू करवाई शैतान ने। यहाँ तक वो लोग बोलते हैं कि संडे को जो मीटिंग है वो तो शैतान ने शुरू करवाई। बीच में मैं और संजय भाई थे मेरे साथ, हम दोनों कहीं पर चले गए और ये माता परमेश्वर वाले हमको मिल गए, तो वहाँ उनके साथ ये चर्चा हो गई। बोले, आप लोग संडे को क्यों बैठते हो और सातवां दिन कौन सा है? मैंने बोला, हमारे कैलेंडर के हिसाब से देखने जाओ तो शनिवार है। मैंने बोला, फिर बाइबल में तो सातवां दिन लिखा है। मैंने बोला, बाइबल में लिखा है लेकिन मैं सातवें दिन को मैं नहीं मानता। मैंने उनको कहा कि पवित्र आत्मा को कब उतारा गया ऊपर से नीचे, और जिस दिन पवित्र आत्मा उतारे गए उस दिन लोगों ने प्रचार किया। जब लोगों ने प्रचार किया तो उस दिन 3000 लोगों ने पश्चाताप किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और पत्रस के साथ वो लोग जुड़ गए। 50वें दिन ही 120 लोगों से कलीसिया की शुरुआत हुई, 50वें दिन से। और उसी दिन प्रचार करने से 3000 लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ गए। मैंने उनको ये सवाल किया कि 50वां दिन कब तक? बोले, हम सातवें दिन की बात कर रहे हैं और आप 50वें दिन की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने बोला, वो इसलिए कि 50वें दिन का पर्व परमेश्वर ने मनाने को कहा था, और परमेश्वर ने कहा था सब्बत के दिन से शुरुआत करना, सब्बत से सब्बत, ऐसे सात सब्बत गिनना, तो उसको बोलते 49 दिन। और उसके बाद जो दिन आता है, अभी सब्बत के बाद कौन सा दिन आता हो, तो पहला दिन आता है हफ्ते का, उसी दिन पवित्र आत्मा को उतारा गया। मतलब अगर हमारे कैलेंडर के हिसाब से अगर हम उसकी तुलना करें तो संडे को पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारा गया। उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई, उसी दिन कलीसिया में 3000 जुड़ गए। मैंने बोला, जब परमेश्वर ने पहले ही दिन, हफ्ते के पहले दिन, उन्होंने 3000 लोगों को कलीसिया के अंदर मिला दिए, उसी दिन कलीसिया बनाई, तो हम कौन होते हैं कि बस सातवें दिन को पकड़ कर बैठो? मैं ऐसा भी नहीं कहता कि सातवें दिन मीटिंग ना करो, हर दिन करो मीटिंग, कोई लेना देना नहीं परमेश्वर को, ना पहले दिन से लेना देना है, ना दूसरे दिन से लेना देना है। दूसरी बात, बाइबल में एक बात ऐसी लिखी है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 121वां अध्याय और उसका चौथा पद,
भजन संहिता। सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है परमेश्वर मतलब इज़राइल की रक्षा करने वाले हमारे महान परमेश्वर ना ऊँगेंगे ना सोएंगे। इसका मतलब ना तो वो सोते हैं ना तो ऊँगते। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हर रोज काम करते। फिर उत्पत्ति में ऐसा लिखा है उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद। और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम दिया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसने अपनी स्थिति की रचना के सारे काम से विश्राम दिया। यहाँ पर दो बार लिखा है दूसरे तीसरे पद में कि परमेश्वर ने सातवें दिन क्या किया विश्राम किया। जबकि भजन संहिता में हमने पढ़ा तो वहाँ पर क्या लिखा है हमारे परमेश्वर नहीं सोते। तो अभी सही में परमेश्वर सो गए या नहीं सो गए, उन्होंने विश्राम किया या नहीं किया। उत्पत्ति दो में तो लिखा है कि सातवें दिन परमेश्वर सो गए विश्राम किया, मतलब दो बार लिखा है उन्होंने विश्राम किया। 121 में लिखा है कि नहीं हमारे परमेश्वर नहीं सोते। और वहाँ पर दो शब्द सोना और दूसरी बात ऊँग, दो बात लिखी। क्या सोना और ऊँगना दोनों एक बात है? ना सोएगा ना ऊँगेगा। इसका मतलब यह होता है कि जब हम बिस्तर में लेट जाते सोने के लिए, जब हम जाते हैं हम बिस्तर में लेट गए, जैसे हम बिस्तर में लेटे क्या वैसे नींद आ जाती है? कोई हमें फोन करता है भाई साहब सो गए क्या? बोले नहीं सोने पड़ा था। जब तक हम हमारे होशो हवास में हैं, हमारी आंखें खुली है, हमारा बदन हमने उस बेड के ऊपर ला कर रख दिया सोने के लिए, उसको बोलते मैं सो रहा हूँ। और जब हमें नींद आ जाती है, जब हमें आसपास क्या हो रहा है हमको नहीं पता, उसको बोलते ऊँगना। ये दोनों में अंतर है। और हमारे परमेश्वर ना सोए मतलब विश्राम भी नहीं किया, हम कभी बोलो चलो थोड़ा सा आराम कर लेते, सो नहीं जाते लेकिन अच्छे से लेटते तो है। परमेश्वर वो भी नहीं किया। ऐसा 121 में लिखा है। और उत्पत्ति दो में उसके दो और तीन में दो बार लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने विश्राम किया। अब बहुत ध्यान समझ लो, हमारे जो परमेश्वर है ना वो बहुत एडवांस चलते, हमारे परमेश्वर बहुत एडवांस है। पर बाइबल में हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 11वां अध्याय। मरकुस 11 पर कोई पढ़ो उसका 24वां पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना कर मांगो तो प्रतिति कर लो, तो ऐसा विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा देखो अभी परमेश्वर क्या समझाते हैं कि प्रार्थना में तुम जो मांगते हो तो प्रतिति कर लो, मतलब विश्वास करो। कैसा विश्वास? मिल चुका है। अभी समझो हमने जो मांगा वो हमें नहीं मिला है, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं विश्वास करो मिल चुका है। परमेश्वर खुद ऐसा बोलते हैं विश्वास करो मिल चुका है, मिला नहीं है। और ऐसा विश्वास करोगे तो परमेश्वर बोलते हैं आपके लिए ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं लेकिन परमेश्वर बोलते हो जाएगा। जब मिला नहीं और परमेश्वर हमें ऐसा कहते हैं कि आप लोग ऐसा विश्वास करो कि जैसे आपको मिल चुका है। बहुत समय पहले की बात है, स्टैंड काफ़ी छोटा था और एक दो बार मैं बात बता भी चुका हूँ। कल हमारे सामने एक लड़की रहती थी, उसकी कल शादी हो गई। स्टैंड बहुत छोटा था, वो घर में ज़्यादा रहता था, घर वाले उससे बहुत प्रेम करते थे। अभी इसको हो गया डायरिया हो गया, ये बार बार टॉयलेट में जा रहा है, उस दिन हमने जो सब्जी बनाई थी उस टेनू को बहुत पसंद थी। उस वक्त तो उसको ये भी नहीं मालूम था कि डायरिया हो जाए तो कुछ खाना नहीं है क्योंकि ज़्यादा परेशानी होगी। अभी उसको तो भूख लगी थी और उसकी मनपसंद सब्जी थी और वो बोलता है कि मुझे खाना है। तभी वो लड़की सामने से आई, वो बार बार देख रही है कि बार बार टॉयलेट जा रहा है। उसको चिंता हो गई, मेरे पास आकर बोलने लगे अंकल टेनो को डायरिया हो गया। मैंने बोला नहीं हुआ उसको डायरिया। वो बोलते हैं आप सेवक हो और फिर भी झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला नहीं उसको डायरिया नहीं हुआ है। बोले मैं उसको बार बार जाते हुए देख रही हूँ। तू देख रहे हो बस सही,
लेकिन उसको डायरिया नहीं हुआ। ये जाकर पीछे जाकर बैठ करो तो सब्जी खाने लगा। मैं देखो सब्जी खा रहे, बोलो उसको रोको, चलो इससे तो खा ले, पेट भरकर खा ले। उसके बाद वो गया ही नहीं, उसका डायरिया चला गया। मैंने वापस उस लड़के को बोला अपने घर पर, मैंने बोला इधर स्टैन को पूछ ले कि कब से नहीं गया। तो उसे पूछा तो पता चला कि सब्जी खाई तब से गया ही नहीं। तो मुझे पता है, लेकिन सुबह आप झूठ बोले थे। मैंने बोला नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रार्थना में जो मांगते हो वो मिल चुका है, ऐसा विश्वास करो। जब उसकी प्रार्थना हो गई, जब मांग चुका चंगाई को, तो विश्वास कैसे करना है, मिल गया है। अभी देखो परमेश्वर हमें इतना एडवांस चलने को बोलते, हाथ में आए उससे पहले बोले बोल दो हो गया। तो जो परमेश्वर हमको इतना एडवांस चलाते, हमारे परमेश्वर वो खुद कितने एडवांस हो गए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 53:53 और उसका 5वां पद। वो मतलब प्रभु यीशु, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। प्रभु यीशु हमारे लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, हमारे ही शांति के लिए उन्हें ताड़ना पड़ेगी। अभी देखो इस वक्त यीशु मसीह आए थे, वो तो आए भी नहीं थे, उससे पहले बाइबल में लिख दिया उनको ताड़ना पड़ेगी, उनको कुचला गया, जबकि वो तो अभी तक आया ही नहीं। कितना एडवांस चलते हैं देखो। और फिर आगे क्या लिखा है, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। कोई गुजरा दे पढ़ो तो आखिरी लाइन ऐसा लिखा है कि चंगाई मिल चुकी है, चंगाई मिलेगी ऐसा नहीं। अब ये घटना जो हुई, ये जो यशाया भविष्यवक्ता लिख रहे हैं वो 700 साल पहले लिख रहे, 700 साल पहले। अभी तो यीशु मसीह आने के 700 साल पहले, अभी वो आए नहीं, अभी तो सिर्फ योजना बनी है। और यशाया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोला बोल लिख दे, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। एडवांस में लिख दिया 700 साल पहले। हमें तो सिर्फ प्रार्थना में बोला जो मांगते हो वो पाया, ऐसा विश्वास रखो। लेकिन खुद कितना एडवांस चलते, 700 साल एडवांस हमारे परमेश्वर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं कि 700 साल पहले उन्होंने लिख दिया। क्यों हमारे परमेश्वर 700 साल पहले जैसे वो घटना हो चुकी ऐसे लिखते, क्यों घटना हो चुकी जैसे वो बन गया ऐसे ही परमेश्वर ने लिखा। क्यों? उसका कारण था कि हमारे परमेश्वर की योजना है पावरफुल है। अगर वो योजना सिर्फ उन्हीं को पूरी करनी है तो आप लोगों को लेकर पूरी करनी है तो नहीं, फिर तो कुछ भी हो सकता है, इंसान बीच में से कभी भी चला जा सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर योजना बनाए, अपने खुद के लिए बनाए, वो योजना में कोई इंसान है उनको खुद पूरी करनी है, तो फिर वो योजना इतनी पावरफुल होती है कि उस योजना को कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, अगर योजना में शाऊल को शामिल करे तो राजा बन जा मेरा काम कर, तो हो सकता है 2 साल चलने के बाद शाऊल ना चले। वो देमास को बोले देमास तू मेरे सेवा कर, हो सकता है देमास थोड़ी सी सेवा करने के बाद संसार में खो जाए। वो हुमनास अलेक्जेंडर से कह के मेरे दास पौलुस के साथ रहे, लेकिन बाद में पौलुस को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर खुद योजना अपने लिए जिसमें कोई भी इंसान ना हो, तो तब वो योजना इतनी पावरफुल होती है कि वो एडवांस में लिख देते ऐसा होगा, मतलब हो चुका। ऐसे हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर लिखते, क्योंकि जब वो योजना सिर्फ उन्हीं की है तो फिर वो योजना पूरी करने से कोई भी नहीं रुक सकता और कोई भी उनको बीच में रुकावट लेकर नहीं आ सकता। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 4वां अध्याय और 3रा पद। और हम जिन्होंने विश्वास किया है मिस्रा में प्रवेश करते हैं, और जैसा उसने कहा कि मैंने अपने सोचों शपथ खाई कि वे मेरे मिस्रा में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर हमें ऐसा कहना चाहते हैं, वो लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक शब्द है, फिर से पढ़ो इसको। और जैसा उसने कहा कि मैंने अपने सोचों शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे,
और हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, देखो जिन लोगों ने विश्वास किया वो विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, देखो यहाँ पर परमेश्वर की बात, वो जो बोल रहे मेरा विश्राम ऐसा बोल रहे, तुम्हारा विश्राम ऐसा नहीं, संसार का विश्राम ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा बोल रहे मेरा विश्राम। ध्यान से समझना इसको, हम सब्बत के दिन सातवें दिन की बात कर रहे हैं, परमेश्वर बोलते हैं मेरा विश्राम, मेरा सातवां दिन, मेरा विश्राम का दिन, उसमें वो लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम जो लोग विश्वास करते वो उनके विश्राम में प्रवेश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वो लोग जो लोग मेरी आज्ञाकारी नहीं करते वो लोग मेरे विश्राम में, प्रवेश नहीं कर पाएंगे, प्रभु कहते हैं मेरा विश्राम। और फिर वहां पर आगे लिखा है, पढ़ो तो, यद्यपि जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसके काम पूरे हो चुके थे, परमेश्वर की बात की कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ही तभी से अपने सारे काम जितना उनको करना था वो काम पूरे हो चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। आज किसी को चंगाई देनी है, तो कौन देता है चंगाई? परमेश्वर देते है। आज किसी का भूत प्रेत निकाला है, कौन निकालता है? परमेश्वर निकालते है। आज अगर किसी को आशीष देनी है तो कौन देता है? हमारे परमेश्वर, मतलब उनका काम तो चालू है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है हमारा परमेश्वर इतने एडवांस है कि धरती से पहले ही बोल दिया कि उनके सारे काम पूरे हो गए, अभी नहीं हुए, चल रहे उनके काम, लेकिन उनकी योजनाएं थी उसको पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे परमेश्वर इतना एडवांस चलते हैं कि संसार की शुरुआत से ही उनके सारे काम जैसे समझो पूरे हो चुके, ऐसा बाइबल में लिख दिया। अभी तो 700 साल पहले की भी बात नहीं, 6000 साल पुरानी बात परमेश्वर ने बोल दी, मेरे काम पूरे हो गए। वो लोग मेरे विश्राम में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और आगे पढ़ा तो उसका आठवां पद, इब्रानी 4:8, और यदि अगर यहोशू ने उन लोगों को, इज़राइल लोगों को अगर सही विश्राम दे दिया होता तो उसके बाद परमेश्वर दूसरे विश्राम की बात नहीं करते। हालेलुया, परमेश्वर ने इज़राइल को बोला था मैं तुम्हें विश्राम के देश में लेकर जाऊंगा, और विश्राम का देश ये हिवी यबूसी गिरगासी लोग रहते थे वो नहीं, प्रभु से जो सही में जो विश्राम का देश कहते थे वो तो नया यरूशलेम है, वो तो स्वर्ग है। हमारे परमेश्वर वहां पहुंचाने की बात करें, अगर यहोशू ने उनको सही विश्राम दिया होता तो परमेश्वर उसके बाद दूसरे विश्राम की बात नहीं करते, क्योंकि उसके बाद दाऊद ने ऐसा कहा कि परमेश्वर ने ऐसी शपथ खाई कि वो लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जबकि विश्राम में तो पहुंच चुके थे, अब कौन सी शपथ? मतलब परमेश्वर अभी ऐसा कहना चाहते हैं। उसका नवा पद पढ़ो तुम, अभी परमेश्वर के लोगों के लिए शपथ का विश्राम बाकी है। हालेलुया, कोई दूसरा भी पढ़ो तो इसको नवा पद, तो जान लो हाँ कि परमेश्वर के लोगों के लिए, बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर के लोगों के लिए शपथ का विश्राम बाकी है, हालेलुया, किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए आज तक सातवां दिन आया ही नहीं। हालेलुया, और जितने लोग बोलते हैं ना आज तो सातवां दिन पवित्र मनाओ चर्च में जाओ, उनका तो सब्बत का दिन आ गया, वो किसके लोग? चाहे संडे को मानो चाहे शनिवार को मानो, वो किसके लोग हुए फिर? क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए तो सातवां दिन अभी तक नहीं आया, सब्बत का दिन आया ही नहीं। हालेलुया, मैंने पहले ही बताया मैं सब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता, इसका कारण है कि आया ही नहीं तो चक्कर कैसे चलाए उसका।
अभी सातवां दिन आया ही नहीं, परमेश्वर मना करते ना शनिवार सातवां दिन है, ना संडे सातवां दिन है, ना इस संसार में आज तक जितने भी दिन बने उसमें से आज तक कोई सातवां दिन हुआ ही नहीं। परमेश्वर के लोगों के लिए सातवां दिन तो अभी बाकी है, जो परमेश्वर के लोग नहीं है उनके लिए शनिवार भी सातवां दिन, संडे भी सातवां दिन। हालेलुया हालेलुया करो और नरक में जाओ, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए तो अभी तक सातवां दिन जो है वो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि पत्रस में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और उसका आठवां पद, हे प्रियो, एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर। परमेश्वर के लिए हमारे 1000 साल तो हमारे परमेश्वर का सिर्फ एक दिन होता है। हालेलुया। हमारे 1000 साल तो परमेश्वर का कितना दिन हुआ? एक दिन। आदम से लेकर आज तक तकरीबन 6000 साल हुए, 6000 साल को पार नहीं किया अभी हमने, 6001 नहीं आया, और इसलिए अभी परमेश्वर का सातवां दिन है वो शुरू ही नहीं हुआ। 6000 मतलब छठवां दिन हमारे परमेश्वर का चल रहा है, लेकिन सातवां दिन अभी तक हमारे परमेश्वर का वो आया ही नहीं। विश्राम का दिन अभी तक आया ही नहीं, विश्राम का दिन तो अभी आएगा। और एक बार फिर से पढ़ते हैं इब्रानी 4 और उसका 9वां पद, तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम अभी बाकी है। हमारे 1000 साल मतलब हमारे परमेश्वर के कितने दिन हुए? एक दिन हुए। हमारे 2000 साल मतलब परमेश्वर के कितने दिन हुए? दो दिन। तो परमेश्वर का एक दिन मतलब हमारा 1000 साल। तो जब सातवां दिन उनका आएगा तो हमारे कितने साल होने चाहिए? जब उनका सातवां दिन आएगा तो हमारे कितने दिन होने चाहिए? नहीं, जब सातवां दिन आएगा तब हमारे कितना दिन? सातवां दिन मतलब है तो एक ही दिन ना, 1000 साल हुए ना हमारे, उनका सातवां दिन, हमारे 1000 साल और लग जाएंगे। और 1000 साल का राज इसी धरती के ऊपर हमारे परमेश्वर करने वाले, और वो 1000 साल का राज मतलब परमेश्वर का सिर्फ एक दिन। वो 1000 साल का जो राज है परमेश्वर का, वो राज शुरू होने से पहले शैतान को बांध देंगे, और शैतान को बांध देंगे उसको नर्क में डालेंगे, फिर हमारे परमेश्वर आराम कर सकते हैं। लेकिन जब तक शैतान आंखें खुली रख कर बैठा हुआ है हमारे परमेश्वर सो नहीं सकते। एक ही बार समुद्र में सिर्फ झपकी लगाई थी, मालूम है ना क्या हुआ था? तूफान आ चुका था, तो वो तो इंसान बनकर आए थे कि हमारे परमेश्वर, तो उस वक्त भी उन्होंने झपकी नहीं दी। तो शैतान तो यही चाहता है, लेकिन हमारे परमेश्वर पहले उसको बांधेंगे 1000 साल के लिए, जो प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उसको 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, उसके बाद कुछ समय उसको खोल दिया जाएगा, फिर उसको मारेंगे, फिर उसको हमेशा के लिए आग की झील में उसको डाल देंगे। तो 1000 साल का इस धरती के ऊपर हमारे परमेश्वर का जो राज है वो ही परमेश्वर का विश्राम का दिन है। और परमेश्वर बोलते हैं मैंने शपथ खाई वो लोग मेरे विश्राम में। सातवां दिन तो इस धरती पर बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मेरा विश्राम मतलब उनका शपथ, उनका सातवां दिन वो अभी तक नहीं आए, वो लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम जो लोग विश्वास से चलते वो लोग ही उस विश्राम के अंदर वो प्रवेश कर पाएंगे। तो जो लोग शनिवार और रविवार की जो लोग बात करते हैं समझ लो कि सारी बेवकूफ़ी है, ना शनिवार है ना रविवार है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। कई लोग ये सातवें दिन की बात करते हैं, और ज़्यादातर यही लोग यहोवा विटनेस वाले या तो सेवंथ डे वाले या तो फिर वो माता परमेश्वर वाले यही मानते हैं कि सातवें दिन मतलब शनिवार को ही आराधना करनी चाहिए। संडे को अगर आप आराधना करते हो तो आप सही नहीं करते हो, संडे को अगर आप प्रचार करते हो तो वो सही नहीं करते। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लुका रचि सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसका 37। पर वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। यहाँ पर बाइबल में लिखा है हर रोज हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु वो उपदेश किया करते थे, सिर्फ सातवें दिन की बात नहीं, हर रोज उपदेश किया करते थे।
अगर प्रभु यीशु हर रोज प्रचार करते हैं तो क्या हम हर रोज मीटिंग नहीं कर सकते क्या? जब प्रभु यीशु ना सोमवार मंगलवार ना सातवां दिन छठवां दिन करते हैं तो क्या हम हर रोज नहीं कर सकते परमेश्वर की आराधना? क्या हम परमेश्वर के वचन को हम हर रोज नहीं देख सकते? परमेश्वर का सातवां दिन, सब्बत का दिन, विश्राम का दिन, मतलब हमारे लिए 1000 साल का परमेश्वर का राज जो इसी धरती के ऊपर आने वाला है। लेकिन उस राज के अंदर 1000 साल के अंदर कौन ऐसा है जो प्रवेश कर पाएगा? और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, तो कोई पढ़ो उसका 4वां पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते राज्य करते रहे। देखो यहाँ पर बाइबल में ऐसा लगे 1000 साल का राज, उसमें कई आत्माएं दिखाई दी, कई लोग वहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन ये ऐसे लोग थे कि यीशु मसीह की गवाही के कारण उनके सर काट दिए गए थे और परमेश्वर के वचन को तगड़ाई से मजबूती से पकड़ रखने के कारण इन लोगों को काट दिया गया था, इन लोगों को मार दिया गया था। ऐसे लोग वहाँ पर 1000 साल के राज्य में दिखाई दिए गए। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर दो लोगों की बात की, एक वो लोग जो लोग यीशु मसीह की गवाही के कारण, फिर से पढ़ो तो 20वां पद, 20 का 4 का। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। यीशु मसीह की गवाही देने के कारण और उनके वचन के कारण मजबूती से पकड़ रखने के कारण उनके सर काट दिए गए थे। ऐसे लोग 1000 साल के राज के अंदर दिखाई दिए। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, ऐसे लोग दिखाई दिए कि जिन लोगों ने परमेश्वर की गवाही, यीशु मसीह की गवाही देने के कारण उनके सर को काट दिया गया था। जब गवाही नहीं तो सर कौन काटेगा? हालेलुया। और बिना सर कटवाए तू मर जा, मैं स्वर्ग में जाऊं? नहीं होने वाला, खुद का सर कटवाना पड़ेगा। लोगों को मारकर स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब मैं छोटा था मेरी मम्मी कई बार ऐसा बोलते थे, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तो कई बार ढूंढते थे नहीं मिलता था, फिर मम्मी को उठकर जाना पड़ता था और तब मम्मी गुजराती में कहावत बोलते थे, आप मरे आओ अगर स्वर्ग में ना जाए, मैं खुद मरे बिना स्वर्ग में ना जा सकता, मतलब मुझे ही उठकर काम करना पड़ेगा। मैंने बोला फिर किसको मारकर जाना है? मैं भी पूछ लेता था, स्वर्ग में जाना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा। जब आप इस जगह पर गवाही नहीं दे सकते जहाँ इतना सा खतरा, ने क्या गवाही दोगे आप बाहर जाकर, क्या गवाही दोगे? लिख कर रखो नर के वारिसों से, लिख कर रखो, अगर यहाँ पर गवाही नहीं दे सकते आप कहीं पर नहीं जा सकते स्वर्ग में। ये स्पष्ट सा वचन है बाइबल में। ऐसे लोग वहां पर दिखाई दिए गए कि जिन लोगों ने यीशु मसीह की गवाही देने के कारण उनके सर को काट दिया गया था, ये मत सोचो कि बाहर जाकर हम देते ये करते हैं वो करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वो दिन आएगा तब देख लेंगे, उस दिन को करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है जिन लोगों के सर उस यीशु मसीह की गवाही देने के कारण काट दिए गए थे। यीशु मसीह की गवाही देना क्या छोटी सी बात है क्या? हम खड़े होकर ये कहते हैं कि ये काम किसी और ने नहीं, ये काम मेरे यीशु ने ही किया है, ये काम किसी और ने नहीं किया, ये काम मेरे यीशु ही ने किया है। वो लोगों के आगे बताना
कि किसी और ने नहीं किया काम, किसी डॉक्टर ने नहीं किया, किसी इस संसार के ज्ञान ने नहीं किया, ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीह ने किया। कई लोग जब होल नाइट की जब गवाही आती है तो कई लोग बोलते हैं कि हम आपके वहाँ आकर गवाही देना चाहते हैं। मैं उनको मना करता हूँ, मत आओ यहाँ पर, क्यों इतना खर्च कर कर यहाँ आने को चाहते। उनके दिल में ऐसा होता है जब इतना परमेश्वर ने काम किया तो क्यों ना हम वहाँ पर जाकर गवाही दें। मेरे को मना करता हूँ, आप वहाँ पर गवाही तो कोई बात नहीं, काम तो परमेश्वर ने ही किया, फिर जगह से क्या मतलब है कि इसी जगह पर जाकर गवाही दें। वो तो मंडली को उठाने वाली बात है कि यहाँ पर आप लोगों ने प्रार्थना की, देखो मैं वहाँ से यहाँ चल कर आया। नहीं, आप यीशु मसीह को वहीं पर ऊँचा उठाओ, क्योंकि यीशु मसीह ने काम किया है। और जब भी ऐसी बात आती, एक बार मैं और एक बहन जी थे, मैं कई बार बताया, आज एक बार फिर से बताता हूँ, सारे पंजाबी लोग उनके घर में हर बार हम प्रार्थना के लिए जाते थे, लेकिन उस वक्त जिसके लिए हम प्रार्थना के लिए जाते थे वही उलट हो गया, और उसने सभी लोगों के बीच में बोल दिया तो हमको क्रिश्चियन बनाने के लिए आते, हमारा देवता देखो, हमारे देवता ने ये किया, हमारे देवता ने वो काम किए, ऐसा किया वैसा किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम जिसको मानते हो आज कहाँ पर, और कहा कि वो तो मर गए। तो मैंने कहा जो मर गया वो तुम्हें भी मार देगा, लेकिन जो जीवित है वो तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो, और अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन के अंदर वो लगाए रखो। खतरा हो सकता था, वहाँ पर कोई भी बात हो सकती थी, लेकिन जब परमेश्वर का नाम प्रकट करना होता है, उनकी बात प्रकट करनी होती है, तो करनी पड़ती है। एक बार कोई नेता था, और नेता मतलब कोई राजनीति का नेता नहीं, लेकिन किसी संस्था का नेता, और उसने जाहिर कर दिया कि मैं मेरे इलाके में कभी भी क्रिश्चियन प्रचार करने वाले को मैं नहीं आने दूंगा। और वहाँ के जो मसीह लोग थे वो लोग डर गए, बोले क्या करेगा क्या नहीं। तो उन लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी, परमेश्वर आप कुछ करो, परमेश्वर कुछ करो। वहाँ पर एक परमेश्वर का दास था, उसको परमेश्वर ने बोला कि वो जो भाई साहब है जिसने ऐसा बोला कि मैं मसीह के प्रचारकों को नहीं आने दूंगा, बोले उसकी पत्नी बीमार है, तू जाकर उसको इतना बोल दे कि यीशु मसीह की प्रार्थना कर, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। वो सोच में पड़ गया, मैं कैसे जाकर बताऊँ, ये तो मारेगा, ये तो प्रचारकों को आने की मना कर रहा है, प्रभु मैं कैसे जाऊँ। प्रभु बोलते जाओ, आज वो बाजार में तुझे मिलेगा। पर ये भाई साहब बाजार में चले गए, ये भाई साहब भी बाजार में किसी दुकान पर थे, ये वहाँ पर गए, उस भाई साहब से पूछा कि भाई साहब आपकी पत्नी बीमार है, बोले हाँ, बोले यीशु मसीह की प्रार्थना करो तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, और इतना कहकर दुम दबा कर भागा वहाँ से। वो भागे गए, इसको बहुत गुस्सा है। घर पर क्या उसकी पत्नी जो थी बेड रेस्ट पर थी, उसने देखा है कि ये गुस्सा होकर आया, कहीं से क्या हुआ क्या नहीं, बोला आज एक पागल मिल गया था, मुझे बोलता है कि यीशु मसीह की प्रार्थना कर तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। और फिर कभी मेरे हाथ में आया तो देखता हूँ। कुछ दिन बीत गए, एक बार फिर से परमेश्वर उस भाई साहब को बोला, जाओ आज फिर से मिलेगा तुझे, जाकर उसको फिर उसको ऐसा कह दे कि यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करो। दूसरी बार गया, बोले कहीं पहचान ना लेके, उसे जाकर एक बार फिर उसको पूछा कि भाई साहब आपकी पत्नी बीमार है, बोले हाँ, बोले यीशु मसीह की प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा, और भाग गया वहाँ से। जब वो भाग सकता है तो वो पीछे नहीं भाग सकता क्या, क्या उसको पकड़ नहीं सकता। खतरा था इस बात में, खतरे को मोल लिया, वो भाई साहब अपने घर पर चले गए। उसकी पत्नी ने देखा आज फिर गुस्सा, बोले क्या हुआ, तो बोले ऐसी ऐसी बात हो गई, बोले वो इतना ही कहता है यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना कर, बोले एक बार कर लेने जे हुआ देखा जाएगा। अब उसको कौन सी प्रार्थना आती थी, उसने अपनी पत्नी का हाथ ऐसे हाथ में लिया और बोलता है यीशु इसको चंगा कर, वो तो बैठ गई उठकर, बोले मैं तो ठीक हो गई, उसका जीवन बदल गया। उसने अपनी गवाही में ये बात बताई थी, लेकिन जिसने ये बात उसको कही, ऐसी परिस्थिति में जब मौत आ सकती थी, उसका सर तो उस वक्त नहीं काटा गया,
लेकिन परमेश्वर का गवाह बनना वो ऐसी ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं है। एक बार बाइबल में भी लिखा गया है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका आठवां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे के मित्रों और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि आप यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक आप मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर जो यूनानी जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज में गवाह, उसका सही शब्द है मार्टिर्स और उसका मतलब होता है शहीद होना कि तुम मेरे शहीद होंगे। यहाँ पर जो शब्द था शहीद, परमेश्वर भी कहते हैं कि तुम मेरे शहीद होंगे। परमेश्वर का नाम लेना, उनके वचनों को तगड़ा से पकड़ रखना, यीशु मसीह की गवाही देना, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं यूपी से आ रहा था, 40 घंटे का मेरा सफ़र था, मुझे टिकट नहीं मिला था। मैं टिकट लेकर ऐसे ही मैं बैठ तो चुका था ट्रेन के अंदर, और वहाँ पर जो कंडक्टर की एक सीट आती है ट्रेन में, किसी किसी डब्बे में आती है एक सिंगल वाली, वो सीट मुझे मिल गई थी बस। और उसमें भी अगर कंडक्टर आए तो मुझे पूछना पड़ता है। मैं वहाँ पर बैठ गया, ज़्यादातर कंडक्टर देखने को नहीं मिलते, मैं वहाँ पर बैठ गया। 40 घंटे का सफ़र करना था, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर चलो आपने मुझे बैठने की जगह तो दे दी, बैठे बैठे चलो किसी भी तरह से ये 40 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन एक दो स्टेशन पार करने के बाद एक पुलिस वाला वहाँ पर आ गया, वो आ गया और वो मेरे साथ बातें करने लगा। मेरे साथ बातें करते करते उसने बोला, कौन से धर्म से हो? तो मैंने बोल दिया, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। बस जैसे उससे सुना क्रिश्चियन, मालूम नहीं उसको अंदर से क्या हो गया, उसने गाना बोलना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन कहाँ से आए, वो तो थे नहीं इस जगह पर, आप पहले हिंदू हो गए। मैंने बोला हाँ हो गए, मेरे दादाजी लोग हिंदू होंगे, उनका नाम कुबेरदास था, तो हो सकता है वो लोग हिंदू हो, धर्म बदल दे तो पैसा मिलता है आपको, ये वो गालियाँ बोलने लगा। अब एक बार तो मुझे ऐसा सीटी छोड़ देता हूँ, कैसे भी धक्का खा कर चले जाएंगे, लेकिन ये तो गालियाँ बोलने लगा। और पुलिस वाला था, अनजान जगह थी, लेकिन सीट भी नहीं छोड़ सकता था, 40 घंटा क्रॉस करना था। मैंने बोला परमेश्वर जो भी है देखा जाएगा, लेकिन ये भी पुलिस वाला है तो मुझे नहीं लगता है गुजरात तक आएगा, और अगर गुजरात तक आएगा तो गुजरात आते तक आते तो उसको भी डर लगने लगा कि गुजरात का है। तो मैं बोला छोड़ो कोई बात नहीं देखते। तो 5-6 घंटे उसने सफ़र किया, चलो उतर गया, लेकिन बहुत लोगों को उसने उकसाया, बोले ये लोग ऐसे है ऐसे है, लेकिन चलो परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ नहीं होने दिया। यूपी के जौनपुर में देखो किसी ने मीटिंग शुरू की, देखते ही देखते वहाँ हफ्ते में 3 बार मीटिंग होने लगी, 4,000 लोग वहाँ पर आते थे, कई गांव से दूर दूर से लोग आते थे, और वहाँ पर उस पास्टर को मारा गया, उसको जेल में डाल दिया गया और मीटिंग जो थी पूरी बंद करवा दी गई। ऊपर से ऑर्डर आया बस मीटिंग बंद करा दो, यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। किसी ने जाकर वहाँ पर वीडियो बनाया और उसने आसपास से लोगों को पूछा क्या यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, आसपास वाले ने सभी ऐसी गवाही दी, बोले नहीं हमारे लिए प्रार्थना होती है, हमारे जो भी बीमारी थी वो बीमारी प्रार्थना से चली जाती है, हम तो इससे बहुत खुश हैं। वो लोग पुलिस थाने गए, वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर को बोला कि क्या धर्म परिवर्तन का एक भी यहाँ पर एक भी घटना आपकी नज़र में आई, किसी ने ऐसा कहा आपको, बोले ऐसी एक भी घटना नहीं, फिर ये मीटिंग बंद कैसे हो गई? उन लोगों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया, बोले गलत तरीके से आप परेशान करते हो। कुछ महीने के बाद वो मीटिंग वापस शुरू हो गई। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, परमेश्वर का नाम लेना, उनकी मीटिंग करना, उनकी आराधना करना, परमेश्वर की गवाही देना, वो ऐसी वैसी बात नहीं है। उसके लिए हो सकता है हमारा सर कटवाना पड़े, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसे लोग हमें दिखाई दिए कि जिन लोगों के सर यीशु मसीह की गवाही के कारण काट दिए गए थे, और दूसरे वो लोग थे जो वचन को पकड़े रखे थे, इस कारण उनके सर वहाँ पर काट दिए गए थे। आज मैंने कई लोगों को देखा कि यीशु मसीह का तो ग्रहण कर लेते लेकिन अपने कागजात के ऊपर वो क्रिश्चियन लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। कोई बोलता है, कोई पूछता है कि आप क्रिश्चियन हो तो मना करते, हम क्रिश्चियन नहीं है। तो डरते क्यों? ये क्रिश्चियन कोई आम शब्द नहीं है, क्रिश्चियन का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्राइस्ट का आत्मा है,
ऐसे कृष्ण कोई बनता नहीं है, कागजात में कोई कृष्ण नहीं बन सकता। कृष्ण बनने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए, मसीह का आत्मा चाहिए, तब हम मसीह बनते। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन लोग डरते। एक भाई साहब ने तो बताया, बोले अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ मत लिखवाना। मैं बोला क्यों? अरे बोले मालूम है हम कभी ऐसे कुदंगे फसाद हो गए तो देखेंगे तो क्रिश्चन के तो मारेंगे। अभी कुछ हो उससे पहले ही लोग डरते, उससे पहले ही लोग डर जाते। लेकिन परमेश्वर के वचन को पकड़े रखने के कारण जिन लोगों के सर काट दिए गए, ऐसे लोग उस विश्राम के दिन, उस शपथ के दिन वहाँ पर दिखाई दें। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में उसका 26वां अध्याय। और पौलुस को उस वक्त बेड़ियों से जकड़ा गया था, पौलुस के ऊपर मुकदमा चल रहा था, हो सकता है पौलुस को कोई दंड हो जाए, पौलुस को कोई सजा हो जाए। और तब पौलुस जो बात करते हैं, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय उसका 28 और 29 पद। किसी राजा ने कहा, अग्रिप्पा राजा ने कहा, पौलुस क्या तू थोड़ी मेहनत से, क्या थोड़े समझाने से, क्या तू मुझे मसीह बनाना चाहता है? और सभी के बीच में देखो पौलुस का जवाब क्या है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही रहे, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ ये मेरे समान हो जाए। देखो पौलुस ने सबके बीच में बोल दिया कि अरे राजा सिर्फ अकेला तू नहीं, लेकिन आज जितने लोग यहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे सभी के बारे में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उनके हाथ में बेड़ी ना हो मेरे समान, लेकिन बाकी मेरे समान बन जाए, मसीह का आत्मा पाले, मसीह ही बन जाए। ये लोग क्राइस्ट में, क्राइस्ट का आत्मा पाकर वो लोग क्रिश्चियन बन जाएगी। पौलुस ने बिंदास से कह दिया, सभी के बीच में उसकी हालत ऐसी थी कि हो सकता है उसी वक्त उसको मार दे, लेकिन फिर भी हिम्मत से उसने बोल दिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ सभी लोग मसीह को मानने वाले बन जाए। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसका 19 और 20 पद। परंतु पत्रस और यहूदा ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर की निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बात और तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। गवाही तो हम देंगे ही देंगे। पत्रस और यूहन्ना ने बोल दिया क्या, चाहे हमको मारो, चाहे काटो, चाहे जो भी है, लेकिन जो हमने देखा, हमारे सामने जो कुछ हुआ, हम रुकने वाले नहीं, हम हमारा मुंह बंद रखने वाले नहीं। जो हुआ है वो तो हम बोल कर ही रहेंगे, जो है गवाही हमारे जीवन में वो तो हम बता कर ही रहेंगे। ऐसा जीवन जीने वाले उस सब्बत के दिन, परमेश्वर के विश्राम के दिन वो वहाँ पर होंगे। अगर कोई ऐसा बोले कि परमेश्वर एक बार मुझे उस सब्बत के दिन में ले लो, बाद में मैं ऐसा ही हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जब कोई जॉब ढूंढने के लिए जाता है तो वहाँ पर पहले से बताना पड़ता है, मैंने ये डिग्री ली है। अगर डिग्री नहीं ली, अगर जॉब वाले ऐसा बोलते हैं कि बीकॉम कर कराओ और बीकॉम नहीं किया और वहाँ जाकर ऐसा बोलते हैं कि बस 2 साल लगने वाले, मैंने बीकॉम ज्वाइंट तो कर लिया, 1 साल तो मेरा ख़त्म भी हो गया और बाकी के 2 साल भी मैं ख़त्म कर आपको पास होकर मैं बता दूंगा, बस मुझे जॉब दे दो, तो क्या जॉब दे देंगे? नहीं, उसके लिए जो भी औकात है, जो भी लायकात है, वो पहले से बनाओ, उसके बाद वो जॉब दी जाएगी। उसी तरह से 1000 साल के अंदर आप तभी जा सकते हो कि उससे पहले यहाँ पर जो हमें करना है वहाँ पर जाने के लिए वो यहीं पर करना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते परमेश्वर को कि परमेश्वर पहले हमको ले जाओ, फिर हम वहाँ की रीति से हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि एक बार परमेश्वर लोगों से मिलने के लिए आने वाले थे तो उन्होंने कहा, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 10 और 11 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आग और फल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर से उत्तर आएगा। यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह जो 2 दिन मतलब 2000 साल के बाद आने वाले थे, उसकी भविष्यवाणी मूसा को बताया, मूसा मैं 2 दिन देता हूँ, 2 दिन के अंदर तैयार हो जाओ, तीसरे दिन मैं आने वाला हूँ और तीसरे दिन ये लोग मुझसे मिलने के लिए ये तैयार हो जाएगा। जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला था
वैसे ही मूसा ने लोगों को बोल दिया, जब शादी होती है तो हम लोग भी शादी में जाते, हम लोग शादी में जाते हैं और शादी के लिए हम तैयार भी होते, शादी के लिए कुछ खास कपड़े भी लोगों के जीवन में होते, तो शादी में जाने के लिए लोग तैयार करते हैं, लेकिन जिस दिन शादी होती है उसी दिन चलो कपड़े निकालो और पहनो और शादी में चले जाओ, लेकिन जिसकी शादी होनी हो वो क्या उसी दिन तैयार होते? वो उसी दिन तैयार नहीं होते, वो अपनी शादी के लिए स्पेशल सूट बनवाते, चेहरे को अच्छा सा क्या बोलते हैं फेशियल वगैरह वो सब करवाते, फिर अपने बाल जो है उसके हिसाब से वो लोग कटवा देते, नए जूते अगर फिर भी नए जूते फिर भी उसके ऊपर पॉलिश मार दो, इत्र लगा दो, ये सारी तैयारी पहले से कर कर वो लोग रखते शादी के लिए, पहले ही सारी तैयारी। और जब हम 1000 साल के राज के अंदर जाएंगे तो हम भी आत्मिक तौर से प्रभु यीशु की दुल्हन है, हम कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन है और प्रभु यीशु जो है दुल्हा है और हमें उनको मिलने के लिए जाना है। तो क्या शपथ के दिन तैयारी करेंगे? शपथ के दिन वो तैयारी जो है वो नहीं हो सकती। हमें रेडी कब होना है, हमें तैयार कब होना है? हमें शादी के कम से कम एक दिन पहले हमें तैयारी हमें पूरी करनी है। और हमारे प्रभु यीशु वो तो बोल कर नहीं गए कि सातवां दिन कब शुरू होगा और मैं कब आऊँगा। जब चेलों ने भी पूछा तो चेलों से भी कह दिया, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका सातवां पद, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज कब आएगा वो जानने का तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि बोले वो जो दिन है वो जो समय है वो परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और मत्ती में लिखा है उसका 24वां अध्याय, मत्ती 24 उसका 36वां पद, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु कहते हैं वो दिन को ना तो पुत्र जानते ना तो स्वर्ग को जानते। कई बार लोगों को सवाल हो जाता है, फिर यीशु मसीह अपने आप को सर्वशक्तिमान बोलते, क्या उनको नहीं पता कि कब आएंगे कब आएंगे? जब यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं नहीं पुत्र नहीं जानते। कई लोग ऐसा समझते हैं कि वो जब इस धरती पर थे तब नहीं जानते थे, आसमान में जाने के बाद जानने लगे, तो धरती पर क्यों नहीं जानते थे, आसमान में कैसे जानने लगे? परमेश्वर ने ये भी कहा है कि भावी मत देखो, वो पाप है। तो परमेश्वर के अंदर वो ताकत तो है कि भावी देख सके, लेकिन देखते नहीं है। उसी तरह से प्रभु यीशु को ही आना है इस धरती के ऊपर हमको लेने के लिए, लेकिन वो दिन जो है वो पिता ने अपने हाथ में रखा है, यीशु मसीह को बोल कर रखा है, दिन तुझे जानने की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान जान सकते, लेकिन जब उनको ऊपर से ऑर्डर तो नहीं जानेंगे, बोलते मैं भी नहीं जानता। मैंने परसों व्हाट्सएप के ऊपर एक सवाल किया था लोगों को कि अगर परमेश्वर का एक दिन हमारा 1000 साल, तो परमेश्वर का एक पल मतलब हमारे कितने दिन हो सकता है, या कितने महीने हो सकते, या कितने घंटे हो सकते, या कितने मिनट हो सकते? मैंने ऐसे नहीं पूछा था, मैंने वो जान लिया था, उसको काफ़ी गिनती लगाई, उसके बाद वो पता चला जब परमेश्वर का एक पल तो हमारे 4 दिन और 5 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड बनते, पूरे सेकंड के हिसाब से मैंने गिना उसको, 4 दिन 5 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड। इतना जब हमारा ख़त्म होता है तब परमेश्वर का टक इतना हुआ परमेश्वर का। अभी एक पल के लिए भी जब भी परमेश्वर पिता बोले उनको जा, यीशु मसीह चाहे तो जान सकते, वो सर्वशक्ति माने, उनको बताया नहीं गया, उनको बोला गया मत जान, वो वहाँ पर अपनी निगाह नहीं लेकर जाएंगे। और इसलिए हमारे प्रभु यीशु उस दिन को नहीं जानते, लेकिन जब भी पिता बोलेंगे जाओ तो वो आ जाएंगे। जब वो नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे? तो जब हम नहीं जानते
तो हमें सातवें दिन के लिए कैसे तैयार होना पड़ेगा, हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार इस समस्या अगर आ गए फिर हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। जब सातवां दिन, मतलब कि यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से जब सातवां दिन आता था तब यहूदी लोग क्या करते थे, और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 58 और उसका 13 और 14 पद। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, अपनी इच्छा को पूरी ना करे, बहुत ध्यान समझ रखे कि जब इस धरती के ऊपर यहूदी कैलेंडर के हिसाब से जो सातवां दिन आता था, परमेश्वर बोलते हैं कि अगर उस सातवें दिन तू अपनी इच्छा को पूरी ना करे फिर, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, हाँ, यदि तू उसका सम्मान करके, हाँ, उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपने मार्ग पर ना चले, परमेश्वर का सम्मान करे, अपनी इच्छा ना करे और अपनी इच्छा पूरी न करे, हाँ, और अपनी ही बातें ना बोले, और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। देखो सब्बत के दिन सातवें दिन क्या करना था, अपनी इच्छा नहीं, अपनी योजना नहीं, खुद को नहीं बोलना है, परमेश्वर का सुनना है, परमेश्वर का बोलना है, उस दिन अपना कारोबार नहीं करना है, ऐसे परमेश्वर ने इनको कहा था। और पढ़ो, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तू तेरी इच्छा को प्रकट ना करे, तू अपनी मर्जी से ना बोले, तू अपना कारोबार ना करे, परमेश्वर बोलते हैं सब्बत के दिन को, ये छठवें दिन की बात नहीं, ये सातवें दिन की बात है, सातवें दिन तुझे ये नहीं करना है, अपना कारोबार नहीं करना है, सातवें दिन अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना है, सातवें दिन अपनी मर्जी से तुझे नहीं चलना है, ये उससे पहले के दिन की बात नहीं है, ये सातवें दिन तुझे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। फिर पढ़ते हैं लेवी का पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है, 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। देखो सातवें दिन क्या करना है, सभा का दिन और विश्राम का दिन, सातवें दिन काम नहीं करना है, फिर उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, कोई कामकाज मत करो, अपना कारोबार मत करो, धंधा मत करो, फिर वो तुम्हारे सब घरों में, हाँ, यहोवा का विश्राम दिन ठहरे, हाँ, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। परमेश्वर ये है, परमेश्वर ये कहते हैं कि सातवें दिन तुम्हें अपना कारोबार नहीं करना है। अब बहुत ध्यान समझो, अभी हम इस धरती पर आ जाते हैं परमेश्वर के सब्बत से बाहर, अभी समझो सातवां दिन आ रहा है, सबसे पहले हमें उस दिन हमारी मर्जी को पूरा नहीं करना है, सातवें दिन हमें हमारी बातें नहीं करनी है, सातवें दिन हमें अपना कारोबार भी नहीं करना है, सातवें दिन हमें ये सारे काम जो है वो हमें नहीं करना है, अभी समझो सातवें दिन कारोबार नहीं करना है तो हमको छठवें दिन क्या करना पड़ेगा। समझो आज हमको किसी ने काम दिया, वो बोलता है कि कल दे देना, कल सातवां दिन है, वो नहीं मानता, हम मानते हैं सातवें दिन को, हमको कल सातवें दिन उसको काम देना है, लेकिन सातवें दिन हम काम नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो काम कब ख़त्म करना पड़ेगा, छठवें दिन पूरा करना पड़ेगा, छठवें दिन उसको लेकर आना पड़ेगा, ले भाई तेरा काम है तो उसको बुला देना पड़ेगा, आकर तू ले जा, कोई लेन देन है तो वो भी हम सातवें दिन नहीं कर सकते, हमारा कारोबार नहीं कर सकते, हमारी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, जो कुछ भी करना है कौन से दिन करना पड़ेगा, छठवें दिन ही करना पड़ेगा। हालेलुया, समझ में है, सातवें दिन नहीं करना है लेकिन उसकी तैयारी हमें छठवें दिन ही करनी पड़ेगी, तो ही सातवां दिन ऐसा होगा कि हम उस सातवें दिन के हिसाब से हम चल सकते। फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और कोई 23 से पढ़ो तो। देखो कल विश्राम है, जो तंदूर में पकाना हो पकाओ, और जो सीजन हो उसे सीजन,
जाओ। हाँ। और इस जैसा जितना बस ईमान के लिए रख दो। पढ़ो पढ़ो। जब उन्होंने उसको बोला कि इस आज्ञा के अनुसार ईमान तक रख छोड़ा, तब न तो बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। पढ़ो पढ़ो। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको मैदान में न मिलेगा। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा कहा, मन्ना जो है उसकी बात ये थी, बोला सातवां दिन मन्ना नहीं मिलने वाला, लेकिन छठवें दिन क्या करो, डबल इकट्ठा कर कर रखो। अगर उसको आप बॉईल करना चाहते तो बॉईल कर लो, तंदूर में पकाना चाहते हो तंदूर में पका लो, जैसे भी करना है, लेकिन छठवां दिन आज जो भी करना है कर लो। इसका मतलब सातवें दिन खाना है जरूर, लेकिन बनाना नहीं है। हालेलुया, समझ में आया ना? सातवें दिन खाना तो है लेकिन बनाना नहीं है। तो फिर सातवें दिन अगर खाना है तो बनाना कौन से दिन पड़ेगा? छठवें दिन। फिर छठवें दिन कैसा खाना बनाना पड़ेगा? वो खाना ऐसा होना चाहिए कि सातवें दिन हम उसको गर्म भी नहीं कर सकते तो ठंडा खा सकते, ऐसा खाना होना चाहिए। दूसरी बात, वो बिगड़े भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। समझ में? छठवें दिन ऐसा खाना बनाकर रखना है कि जो सातवें दिन बिगड़ने वाला नहीं, ऐसा खाना बनाना है जो सातवें दिन हम ठंडा ही खा सकें उसको। खाना तो जरूर है लेकिन हमें उसको पकाना नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये सारी बातें हम ये दर्शाती हैं, सातवें दिन कुछ नहीं करना है, लेकिन सातवां दिन मनाने के लिए छठवें दिन तो आपको काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मां छठवें दिन अपने खुद की इच्छा नहीं होनी चाहिए, छठवें दिन खुद की बोली नहीं बोलनी है, छठवें दिन कारोबार को समाप्त कर देना है, लेन देन को समाप्त कर देना है, जो भी है छठवें दिन पूरा करना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, जो भी सब कुछ करना है वो छठवें दिन किसी भी तरह से उसको पूरा करना है। आज के कैलेंडर के हिसाब से देखने जाओ तो फ्राइडे शुक्रवार वो समझो कि छठवां दिन है। तो छठवां दिन जो है वो ऐसा दिन है कि छठवें दिन हमें शनिवार के लिए, मतलब विश्राम के दिन के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए आज भी इसराइल में आप जाओ तो इसराइल में सारी फैक्ट्री जो कोई भी काम है वो शुक्रवार को 2% को छुट्टी दे दी जाती है, शुक्रवार को 2% को छुट्टी मिल जाती है। क्यों? कि कल विश्राम है, आज जो भी काम करना है कर लो, आप शनिवार का जो भी काम निपटाना चाहते हो आज निपटा लो। और ज़्यादातर लोग तो आज भी शुक्रवार को भी पूरी छुट्टी मना लेते, छुट्टी इसलिए मनाते कि हमको बहुत सारे काम करने, लेन देन को निपटाना है, ये करना है वो करना है, तो आज छुट्टी रखो, ये सारा काम निपटा लो, कोई आधा काम ना रह जाए। तो आज भी वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे होता है कि छठवें दिन उनको छुट्टी रहती है, और छठवें दिन इसलिए छुट्टी रहती है ताकि वो लोग छठवें दिन जो भी उनको तैयारी है वो तैयारी वो लोग कर सके। छठवां दिन जो है वो सातवें दिन की तैयारी का दिन है। यीशु मसीह मर गए और उसी वक्त ये सातवां दिन जो है वो शुरू होने वाला था, और सातवां दिन शुरू होने वाला था तो उन लोगों ने जाकर यीशु मसीह को दफन कर दिया। जब यीशु मसीह को दफन कर दिया तो जो हमने बाइबल में पढ़ा था लुका उसका 23वां अध्याय और कोई उसका पढ़ो तो उसका 54वां पद 54। देखो सब्बत में सातवां दिन आने वाला था और ये कौन सा दिन था? तैयारी का दिन। हालेलुया। छठवां दिन मतलब कौन सा दिन? तैयारी। छठवां दिन मतलब तैयारी का दिन। ये कौन सा दिन चल रहा है? छठवां दिन चल रहा है, तैयारी का दिन चल रहा है। और कल मतलब सातवें दिन हमारा विश्राम, प्रभु यीशु का विश्राम जो है वो शुरू होने वाला है। हम शनिवार की बात नहीं कर रहे, हम वापस आते हैं हमारे परमेश्वर के सब्बत के दिन, 7000वां दिन मतलब 7000वां साल, 6001 से लेकर 7000 तक 1000 साल का राज। इस सब्बत का दिन जो है वो बहुत जल्द आ रहा है। आज कौन सा दिन चल रहा है? आज छठवां दिन चल रहा है। आज वो दिन है कि सातवें दिन विश्राम के दिन जाने की तैयारी का दिन। वहाँ पर कैसे लोग दिखाई दिए? जो गवाही के कारण मार दिए गए थे। तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करो, यहाँ से तो तैयारी करो, उठो और गवाही दो। क्या बात उसमें, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई काम ही नहीं किया? और सही में नहीं काम किया तो मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो ना मानना उसको, ऐसे परमेश्वर को क्या माना जो काम नहीं कर सकता।
छोड़ दो, मैं तो ना मानू मेरा काम अगर मेरा परमेश्वर ना करे तो, मेरे जीवन में अगर एक दिन भी गवाही ना तो मैं छोड़ दो, परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर मुझे। और एक एक पल के लिए गवाही होनी चाहिए, ना ही क्यों होनी चाहिए, मेरा परमेश्वर है ऐसे कि एक एक पल के लिए गवाही है, ना हो ना होती हो तो छोड़ दो परमेश्वर को, किसी और को मान लो जो आपके जीवन में गवाही पैदा करे। ये छठवां दिन है, तैयारी का दिन है, यहां से तैयारी शुरू करो, सर कटवाने की बात तो अभी नहीं आई, यहां तो शांति से तो उठो और गवाही तो दो, वरना उस दिन सही में मैं बोलता हूं याद आएगा, काश उस दिन ये बात मान ली होती तो आज मैं नरक में नहीं होता, मैं स्वर्ग में होता। एक बार नहीं, इस वचन को कई बार दोहरा चुके, कई बार दोहरा चुके, किसको पता नहीं चलता। परमेश्वर बोलते हैं उस खच्चर की नाई, उस गधे की नाई ना हो जो बिना डंडे बिना लगाम नहीं समझ पाता। हमारे परमेश्वर में समझाते हैं, वो चाहते हैं कि सब्बत के दिन कोई भी ना रह जाए, मेरे विश्राम में कोई भी ना रह जाए, इसलिए हमारे परमेश्वर हमें डांटते, हमारे परमेश्वर हमें उत्तेजन देते, हमारे परमेश्वर हमें सिखाते। हमारे परमेश्वर चाहते कि तैयारी का दिन है तो तैयारी हो जाए। और फिर से पढ़ो तो ये 54वां पद, वह तैयारी का दिन था, तैयारी का दिन था, सातवें दिन की तैयारी का दिन था, सातवें दिन प्रभु यीशु से मिलने की तैयारी का दिन था। और छठवें दिन लोगों ने क्या कर दिया, तैयारी के दिन जिनको मिलने जाना था उनको ही मार दिया, इज़राइल लोगों ने उनको ही मार दिया जिनको उन लोगों को मिलने के लिए जाना था। सातवें दिन की बात, विश्राम के दिन की बात, लेकिन किया क्या काम, जिनको मिलने जाना था उनको ही मार दिया, बोलने में कुछ और करने में कुछ और। आज वचन है लोगों के पास तो साथ में निंदा भी है, आज वचन है परमेश्वर के तो झूठ भी है, आज वचन है तो दस मास की चोरी भी है। जब भी दस मास में बोलो तो कभी भी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं, दस मास मतलब अपने जीवन का दस मास, दो घंटे 24 मिनट परमेश्वर के काम करने का दिन, काम करने का वक्त दे रहे हो हर रोज, दो घंटे 24 मिनट परमेश्वर के काम के लिए, ये तैयारी का दिन है, ये करना है। उसी दिन चोरी, उसी दिन परमेश्वर के समय की चोरी, ये सारे काम क्या दर्शाते। इब्रानी में लिखा है उसका 6वां अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर का ठट्ठा कर रहे हैं, वो परमेश्वर को एक बार फिर क्रूस के ऊपर मार रहे हैं। जिसके पास ये वचन आ चुके, वचन का सामर्थ्य आ चुका, पवित्र आत्मा को पा लिया, उसके सामर्थ्य को पा लिया, वो स्वाद चख लिया, वो परख लिया, उसके बाद झूठ, उसके बाद निंदा, उसके बाद ये दस मास की चोरी, दो घंटे 24 मिनट की चोरी। और परमेश्वर बोलते इसका मतलब ये हुआ, ये लोग एक बार फिर से परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्रूस पर मार देते। है तैयारी का दिन, बातें भी सब्बत के दिन की, हमको जाना है स्वर्ग में और काम क्या की? तो बोले यीशु मसीह को मारो, काम यीशु मसीह को मारने का काम, बोलने में कुछ और करने में कुछ और। और इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों को दो दिन देता हूँ, लोगों को तैयार करो, लोग तैयार भी हो गए, तीसरे दिन परमेश्वर को मिलने के लिए भी आ गए। लेकिन निर्गमन में ऐसा लिखा है, निर्गमन इसका 20वां अध्याय और उसका 18, 19, 20,
और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे। देखो ये लोग शुद्ध होकर गए थे, फिर भी जब परमेश्वर आए उनको मिलने के लिए ये लोग डर गए, क्योंकि बाहर से शुद्ध हुए थे, अंदर से कौन से शुद्ध हुए थे, दिखावा था कि, तो डर लगा ना उनको। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि उसका छठवा अध्याय 15-16-17 पद कि जब यीशु मसीह आए तब लोग पहाड़ों से कहने लगे हमारे ऊपर गिर जा, हमारे ऊपर गिर जा, लेकिन उससे हमको बचा ले, उससे हमको बचा ले। क्यों? दिखावा तो बहुत किया था शुद्ध होने का, लेकिन अंदर से वो लोग शुद्ध नहीं थे, सब्बत के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, सब्बत के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। आज छठवा दिन है, तैयारी का दिन है, उसी दिन उन लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया गया, उन्होंने यीशु मसीह को ख़त्म कर दिया गया। आज छठवा दिन हमारे लिए तैयारी का दिन है, हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, ये तैयारी का दिन है। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि ऐसे वैसे लोग उस शपथ के दिन में नहीं है। अपने आप को तैयार करो, बातें कुछ और काम यीशु मसीह को मारना ऐसा मत करो। ये सिद्ध होने का दिन है, सिद्ध हो जाओ ताकि सातवें दिन में पहुंच सको। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के चुकाए, जो हमारे राजा है, जो हमारे परमेश्वर है। मेरे प्रिय, सातवां दिन आ रहा है, सब्बत का दिन आ रहा है, वहाँ जाकर हम कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते। ये छठवां दिन, आखिरी दिन, आखिरी दिन का आखिरी हिस्सा चल रहा है, अपने आप को तैयार करो। ये सिद्ध होने का दिन है, ये तैयारी करने का दिन है। इसराइल लोगों ने गलती कर दी, सिद्ध होने के दिन ही उन्होंने यीशु मसीह को मार दिया। हम ऐसा ना करें, हमारा चाल चलन ऐसा ना रखें, लेकिन यीशु मसीह की गवाही देने वाले बने, उनके वचन को तगड़ाई से पकड़ने वाले बने और सातवें दिन के वारिस बने, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाएगी।